सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुमने शराब पी है? कुछ संस्कार बचा है कि नहीं तुम्हें? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए माँ, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मैं इसे बंद के नहीं रह सकती। फ्रीडम चाहिए और तुम्हें हमारा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। कल को जब हम दोनों भी नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगी, किसके सहारे जियोगी? जावेद है ना, मैं उसके साथ रह लूंगी। जितना इज्जत हम लोग का बदनाम करना चाहती थी ना, कर ली हो तुम, अब बस करो। हमें जो करना है हम वही करेंगे, जिसको जो समझना है समझिए। ना हमें पहले फर्क पड़ता था और ना ही अब पड़ेगा। अरे वाह दीदी, बहुत ही खूबसूरत पूजा की है आपने लक्ष्मी माँ की, पर आरती पूजा में शामिल नहीं हुई। आरती ना, दरअसल उसे हमने प्रसाद लाने भेज दिया है। अच्छा, पता नहीं कहाँ रह गई। अब मुहूर्त भी तो टाल नहीं सकते ना, सुबह पूजा शुरू कर दी, बस आती ही होगी वो। सामान जब सड़ जाता है ना दीदी, तो कितना भी ढक कर रखो बदबू आ ही जाता है। हम दोनों एक ही खानदान से हैं, कुछ नहीं छुपा है हमसे, सब कुछ पता है। जब मुंह में खून लगी गया है तो इधर उधर मुंह मारेगी, जवानी का ज्वार ऐसे नहीं रुकता है दीदी। अभी भी टाइम है, लगाम नहीं लगाइएगा तो बहक जाएगी बिटिया रानी। देखिए घर में पूजा है और बिटिया का कहीं पता ही नहीं। अरे मधु, तुम काहे आरती की चिंता में घुले जा रही हो? उसके माँ बाप है ना उसका ध्यान रखने के लिए, तुम अपने बच्चों की चिंता करो। अपनी चिंता की वजह से ही आपकी बेटी की चिंता करना पड़ रहा है जीजा जी। बदकिस्मती से हम भी इस परिवार से जुड़े हैं, इसीलिए चिंता कर रहे हैं। आप लोगों का क्या है, नाम बदनाम होने का फिक्र तो है नहीं आपको? बेटी ससुराल छोड़कर मायके आ गई, आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। वो यहां रह के फिर भी हवा में उड़ रही है, तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हमको तो समाज में सिर उठाकर चलने की आदत है। आरती की बदनामी का छींटा हमारे बच्चों पर भी पड़ता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। मधु, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? भांजी है मेरी, इस वक्त वो तकलीफों से गुजर रही है, ऐसे वक्त में हमें सपोर्ट करना चाहिए और तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। आइंदा इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, समझी? मेरी 2 लाख की चाल। मेरी भी 2 लाख की चाल। ये मेरी और। मेरी भी 2 लाख चाल। मेरी इतने की शॉल। पैक। 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 शो। तीन के।
साला किस्मत ही खराब है। वैसे मानना पड़ेगा तुम हर बार जीत जाती हो, पर एक बात तो है कि तुम्हें हराना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। अरे क्या यार, मॉम बार बार कॉल करती रहती है यार, क्या प्रॉब्लम है इनकी? यार जी तू टेंशन ना ले, से एक बात है, तेरी किस्मत इसलिए चमक रही है एक लकी इंसान है तेरे साथ। जावेद टेरेस लेना तो कोई तुमसे सीख है। सुनो ना, मेरे लिए फटाफट एक और सिगरेट बना दो ना, तो मेरे को जाना भी है। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी चढ़ गई है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। चलो बाय गाइस, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। याद है ना कल मिसेस सिंघानिया के साथ हमारी बिजनेस मीटिंग है, तो जितना पैसा है उनके पास उतनी कड़क भी है, तेरी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैडम जी टाइम से पहुंचना पड़ेगा कल। जी सर जी, हम टाइम से तैयार हो जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो उठो पूजा कर लो।
कल ऐसा लगा जैसे हमें कोई मारना चाहता है, कौन हो सकता है? अब शराब और सिगरेट के नशे का असर, ये सब तुम्हारा भ्रम है। देखो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना बाद में पछतावा होगा। अरे तुम अपने आप को देखो, तुम क्या थी और क्या हो गई हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दोस्तों की संगत का असर साफ साफ दिखता है, उन सड़क छाप दोस्तों का, सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। और दो पैसे, कभी नीतू के घर सो जाती थी, कभी किसी दोस्त के साथ घूमने चली जाती थी, अब देख लो नतीजा। माँ आप भूल गए ना, जिम का फीस भरना है 25,000। सॉरी बेटा हम तो भूल गए। देती रहो बेटा, है ना ये आपका, इसके लिए तो पैसे है आपके पास, मेरे लिए नहीं है। सारी रुक टुक तो बस मेरे लिए है, या मुझे अपने बिजनेस के लिए भी बाहर वालों से उधार मांगना पड़ रहा है। बेटी हूं ना मैं, इसलिए भरोसा ही नहीं है। हर परिवार में बेटियों का अपना महत्व होता है, बेटियों को घर की इज्जत माना जाता है, और वंदना के परिवार में भी ऐसा ही था। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार की राजधानी पटना की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। आरती एक छोटे से शहर में रहने वाली आधुनिक ख्यालों वाली लड़की, जिसको आजादी पसंद थी, वहीं उसके परिवार के लिए उसके आजाद ख्याल उनके परेशानी का कारण बन चुके थे। दोस्तों हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनमें से कुछ हमारे आप जैसे सामान्य इंसान होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और आरती भी उन्हीं में से एक थी। आरती एक आजाद परिंदे की तरह जीना चाहती थी, जो मन करे करना चाहती थी, उसे किसी भी तरह की रोक टोक बर्दाश्त नहीं थी। ससुराल छोड़कर मायके बैठी आरती अपने माँ बाप के अपमान का कारण बन चुकी थी। समाज से मिल रहे तानों ने पूरे मित्तल परिवार के घर का माहौल बदल दिया था, और जिसका असर इनके आपसी रिश्तों पर भी पड़ने लगा था। आइए देखते आखिर और किन नई मुश्किलों से जूझने वाली थी मित्तल परिवार की जिंदगी, और दो पीढ़ियों के सोच की जंग किस जुर्म को दस्तक देने वाली थी। लीजिए आप सब गर्मा गर्म समोसे खाइए। थैंक यू बेटा। अरे वाह भाभी, क्या समोसा बना है, एकदम जबरदस्त फर्स्ट क्लास समोसा बना है। मैं तो इनको हमेशा यही कहती आ रही हूँ कि भाई इनके घर में अगर किटी पार्टी हो ना, तो इनके घर के जैसा खाना कहीं और नहीं मिल सकता है, है ना? लीजिए ना। काय तेरे बच्चे, अब देखो भाभी आपका बेटा तो जिम में जाता है ना, मेरा बेटा बंटी भी तो उसके साथ जाता है, आपका बेटा इतना अच्छा है ना। अरे हाँ आरती आज भी घर पर नहीं है क्या? वैसे वंदना बुरा मत मानना, पर आरती आजकल कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। छोटा मुंह बड़ी बात, पर मैंने कल ही उसको चौराहे पे एक लड़के के साथ सिगरेट पीते हुए देखा। भाभी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में शराब पीना, लड़केबाजी, ये सब नहीं चलता। जो भी कहो, पर वंदना को देख के बहुत बुरा लगता है। जवान बेटी सीने पर पत्थर के समान होती है, और उस पर तलाक का ठप्पा लग जाए तब तो। आरती आज भी घर पर नहीं है क्या? पर आरती आजकल कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो रही है। मैंने कल ही उसको चौराहे पे एक लड़के के साथ सिगरेट पीते हुए देखा। वंदना को देख के बहुत बुरा लगता है। जवान बेटी सीने पर पत्थर के समान होती है, और उस पर तलाक का ठप्पा लग जाए तब तो।
क्या सोच रही हो? हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम आरती को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करें कि वो तलाक ना दे तू। माने पड़ोसियों के ताने सुन सुनकर हम थक चुके हैं और ऊपर से इसकी बिगड़ी हुई आदतें। हमें ये लगता है कि हमें सूरज से और आरती से एक बार फिर से बात करके उन दोनों को साथ मिलाना चाहिए। इससे आरती अपने आप ही सुधर जाएगी। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम्हारी बेटी को ऐसा नहीं लगता? जिस दिन से उसने अपना घर छोड़ा है उसी दिन से उसने तलाक की अर्जी दाखिल की है। पूरा दिन में वो हमसे बात करे ना करे लेकिन वकील से जरूर बात करती है। अब खुद ही अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है तो कोई क्या कर सकता है? हमें उसे लेकर काफी चिंता हो रही है। जिस तरीके की जिंदगी वो जी रही है ना, उसे लेकर उसे और हमें सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो एक ही रास्ता बचा है, पंडित जी को बोल के आरती का शादी करवाइए। कोई भी लड़का चलेगा, बोलो डिवोर्सी विडवर कोई भी। जैसे ही आरती का तलाक होगा आनंद फानंद में उसका शादी करवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा ये लड़की पूरे खानदान का नाक कटवा के मानेगी। एक भी सिलाई ढंग की नहीं है। ये काम किया आप लोगों ने? एडवांस लेते वक्त कितना जल्दी जल्दी मचा रही थी तुम, अभी क्या कचरा एकदम। एक भी सिलाई ढंग की नहीं है। अब तुम एक काम करोगे, इसी वक्त मुझे अपना एडवांस वापस चाहिए। आप ऐसे थोड़ी कर सकती है मैम, आप ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। हम लोग कह रहे हैं ना, हम आपको रिपेयर करके वापस दे देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। अब आप सिखाएंगे तरीका कि हमें ये बिजनेस कैसे करना है? पहले तो आपने सारा डिफॉल्ट सब कुछ दिया और ऊपर से आप हमें बता रहे हैं हमें बिजनेस कैसे करना है। हमारा अभी के अभी सारा एडवांस वापस करो, अभी के अभी। देखिए, रियली वेरी सॉरी, बट आप हमें एक और मौका दीजिए। देखिए, आपने जो एडवांस दिया था वो सारा हम लगा चुके हैं। फिर भी अगर आप एडवांस रिटर्न चाहते हैं तो हम दे देंगे, पर बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। कोई टाइम वाइम नहीं मिलेगा, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी, समझे तुम लोग? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सिक्योरिटी, इन दोनों को लेकर जाओ और तब तक मत छोड़ना जब तक ये पैसे ना दे दे। सुना ना तुमने? बिठाए रखना अंदर, लेके जाओ। इतने साल सरकारी अस्पताल का काम का संभाला और रिटायरमेंट के बाद में प्राइवेट अस्पताल में जॉब कर ली, अब और पैसे के पीछे कितने दिन चप्पल घिसवाएंगे? हाँ, जितना हमें जरूरत है उतना है ना हमारे पास, तो फिर आप ये कब तक हाई धन करते रहेंगे? हाँ, एक बात बताइए, घर संभालना हमारा काम है ना, तो फिर हम पे छोड़ दीजिए ना, हम संभालेंगे सब। आप बस कल जाकर डॉक्टर शर्मा से कहेंगे कि आप ये नौकरी छोड़ रहे हैं इसलिए किसी और को देख ले, और अगर ना बता पाए ना तो हमसे बोल देना, हम बता देंगे। अरे ये कैसे हो गया? जितना भी हम जमा किए थे उसका सब FD बनवाए थे और ये FD किसने तोड़ी? और कौन तोड़ेगा, जिसको FD अकाउंट में जॉइंट होल्डर बनाई थी, तोड़ने से पहले बताया भी नहीं। हे भगवान, ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये पैसा हमने सोहन की शादी के लिए रखा था, उसके बीवी के गहने बनवाने के लिए, और सारे पैसे उड़ा दिए। अब कहां से लाएंगे इतना सारा पैसा? लड़की के घर वाले बस शादी करने के लिए शोर मचा रहे हैं और ये लड़की ने ना हमारा जीना आराम कर रखा है। तुम राज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। ओम नमः शिवाय। कोई भी व्यक्ति इस झील में डुबकी लगाता है उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। अगर हम रियल लाइफ में सांप होते तो? जो हमारे सपने होते हैं ना, कहीं ना कहीं वो हमारी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं।
राज। फिर लौट आई नागिन, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। तुमने एफडी तोड़ी? तुम्हारे पैसे थे वो? तो फिर तुमने एफडी क्यों तोड़ी? ये जो मनमानी करती हो ना, वो अपने पैसों पे करते हैं। माँ बाप के खून पसीने की कमाई पर नहीं। एकदम अर्जेंट पेमेंट नहीं होती ना तो छूते भी नहीं हम तुम्हारी एफडी। बहुत अर्जेंट पेमेंट करनी थी और हम तुमसे पैसे मांगते तो देती क्या तुम? नहीं देती ना। जैसे ही क्लाइंट से पैसे वापस मिल जाएंगे मैं दे देंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। सब क्या ना, तुम किसी और को जाकर सुनाओ। तुम्हें क्या लगता है क्या हमें पता नहीं तुम्हें कौन सा पेमेंट करना था? तुम्हारे शराब और सिगरेट का ही पेमेंट करना था ना तुम्हें? उस लड़के के साथ में पैसे उड़ाकर आ रही हो ना? तुम कुछ नहीं जानते, हमें कल तक हमारा पूरा पैसा वापस चाहिए। तो वो पैसे तुम्हारे थे ही नहीं, वो तो सोहन के दुल्हन के गहने बनाने थे। सोहन को अपना बिजनेस शुरू करना था। जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। हम बोले ना, जैसे ही क्लाइंट पैसे वापस देगा तुम्हें लौटा देंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अभी इतने पैसे नहीं है हमारे पास, इतनी छोटी सी रकम के लिए रो रही हो। तो मनमानी करती हो, ऊपर से जुबान लड़ा रही हो, कोई ऐसे बात करता है कि अपने माँ के साथ? तुम्हारे लिए हम सारी दुनिया से लड़ रहे हैं, ससुराल में अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई हो। तुम्हें पता भी है समाज में कितनी तू हो रही है? तो सब हमारी वजह से हो रहा है, हमारे कारण से हो रहा है सब। हम बोले थे क्या पापा को कि हमारी शादी करा दे? पापा ने पूछा क्या हमसे? नहीं पूछा ना। हमें तो फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए थी। अगर उस घर में फ्रीडम भी होता ना तो भी रह लेते, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब हमें फ्रीडम चाहिए और तुम्हें हमारा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ना कोई बात करने की तमीज, ना कोई इज्जत। एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ कोई तुम्हारा सपोर्ट उपोर्ट नहीं करेगा। हम कल ही बैंक जाकर एफडी से तुम्हारा नाम कटवा देंगे। तुम अगर इस घर में रहना है तो हमारे ढंग से रहना पड़ेगा, और अगर मनमानी करनी है तो अपने ढंग से कर लो। जाओ। आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ऐसे कोई जवान लड़की पे हाथ उठाता है क्या? अपनी जरूरतों के कारण आरती इतनी गैर जिम्मेदार हो गई थी कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि उसके इस कदम से उसके माँ बाप के विश्वास को कितनी ठेस लगेगी। माँ बाप के लिए उनके बच्चे उनके बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से उनकी रही सही जमा पूंजी को हत्या कर उन्हें बेसहारा कर देते हैं, जैसा कि आरती ने किया। अब ऐसे में देखना यह है कि आरती के इस धोखे का मित्तल परिवार पर क्या असर पड़ता है, अपनी बेटी से मिले इस धोखे के सदमे का सामना वो कैसे करते हैं। अगले महीने की 7 तारीख का मुहूर्त बहुत शुभ है। वर वधु के कुंडली के हिसाब से ग्रह एवं नक्षत्र का योग अति उत्तम है। इससे बढ़िया योग पूरे साल में नहीं मिले। इसी दिन विवाह की तिथि तय करना उत्तम है। तो शादी के लिए समय बहुत ही कम मिलेगा। अरे सही कह रही समरथ जी, उससे पहले मेहमानों के लिए इनविटेशन कार्ड भी तो छपाने हैं, और भी पता नहीं कितने सारे आप टेंशन काहे ले रहे हैं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आज ही कार्ड छपवाने के लिए भेज देता हूं मैं। आप बोले तो आपके भी कार्ड छपवा देता हूं। मम्मी तो बेटा तुम कल हमारे साथ चलना, सुनार के पास जाएंगे, तुम्हारे साइज के कुछ गहने बनवाएंगे, टाइम भी बहुत ही कम बचा है ना। भाभी जी,
हम अपनी बिटिया के लिए एक अच्छा संस्कारी घर ढूंढ रहे हैं जहां वो खुश रह सके, और यहां का माहौल देख के हमें लगता नहीं कि हमारी बिटिया यहां खुश रह सकेगी। हमें इजाजत दीजिए, हम लोग चलते हैं। हमें लोन चाहिए, हमें एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, लेकिन हमें कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। वो हमारी नई कंपनी है ना, तो कैसे लोन देंगे? इसलिए हम ये ज्वेलरी मॉर्गेज पे रख देंगे और लोन ले लेंगे, फिर जैसे ही पेमेंट मिल जाएगा हम आपको वापस दे देंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये खानदानी गहने हैं और इस पर सोहन का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? 2 महीने की तो बात है माँ, हम बोल रहे हैं ना जैसे ही पेमेंट आएगी हम आपको दे देंगे। ऐसे भी घर पे बेकार ही पड़ा हुआ है ना, अगर बैंक में रहेगा तो लोन भी मिल जाएगा और ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। बस बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक, रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती हो। सुनो, जितना इज्जत हम लोग का बदनाम करना चाहती थी ना, कर ली हो तुम। अब बस करो, बस करो ये सब ड्रामा। तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी तुम्हारा शादी कर देंगे, उसके बाद तुमको अपने घर विदा कर देंगे, फिर वहां जाके जो ड्रामा करना होगा करना, यहाँ पर कोई नाटक मत करो, बहुत हो गया। बस शादी कर देंगे, वो भी हमसे बिना पूछे? हमने आपसे कहा ना, अब हमें ये सब शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, हम नहीं पड़ेंगे ये सब में। बेटा तुम तो ये अभी कह रही हो, लेकिन जरा सोचो कल को जब हम दोनों भी नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगी, किसके सहारे जियो? जावेद है ना, उसकी और मेरी फॉर्मल रिलेशनशिप में ना कोई एक्सपेक्टेशन है और ना ही डिमांड है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ रह लूंगी। आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशरम, जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो? हाँ शर्म आया, बेच खाई हो क्या? क्या चाहती हो तुम, समाज में हमारा हुक्का पानी बंद करना चाहती हो? हाँ, जो हम चैन से जी रहे हैं वो तुमसे देखा नहीं जाता? जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे तुम मिट्टी में मिलाना चाहती हो? लाओ। एक गाल पे थप्पड़ मार ली, संतुष्टि मिली? नहीं मिली ना, दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अब बता दे, इतनी रात को आने की वजह क्या है? जावेद, मैंने घर में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन माँ ने देख लिया, हम ये ऑर्डर नहीं ले सकते। ऑर्डर नहीं ले सकते मतलब? अरे पागल हो गई है क्या? इतना बड़ा ऑर्डर, वो भी फॉरेन की कंपनी का, अरे इतनी किस्मत से मिलता है। देख, एक बार काम शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद देखना हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अरे लेकिन हम इतने पैसे लाएंगे कहां से? एडवांस पेमेंट मिलने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे नहीं रहेंगे जावेद। एक रास्ता है। क्या? बैटिंग, मतलब वर्ल्ड कप चल रहा है, हम बैटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। मेरी एक सेटिंग है, हाँ हेलो अख्तर भाई, अच्छा क्या रेट चल रहा है आजकल? एक काम करो ना, 10 पेटी लगा लो। आज अगर अपनी टीम जीत गई ना तो 10 लाख के 50 लाख मिलेंगे।
50 लाख? Yes. जावेद, सिर्फ तुम ही मुझसे समझ सकते हो। स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक हैं तो हमें क्या चिंता। जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश। सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा। पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार। शनिदेव महाराज की जय। महिमा शनिदेव की सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। ये लोग मिटा लो। हाँ जी, क्या बात है? तेरी बेटी बेटिंग में पैसे हारी है, पैसे निकाल। मेरी बेटी बेटिंग में पैसे हारी है तो उससे पैसे लो, मुझसे क्यों लेने हैं तुमने? देखो क्या बोल रहा है, बड़े खड़े तमाचा देख रहे हो, मारो इसको, मारो। आ, 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 आ। दीदी आरती को समझाती क्यों नहीं हो? आज उसकी वजह से जीजा जी को मार खानी पड़ी है। क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग समाज में? अरे यहाँ घरों में लड़के नालायक निकलते हैं, हमारी तो लड़की ने जीना दुश्वार कर रखा है। संभालो उसको, संभालो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। भैया ये लड़की कुछ समझना ही नहीं चाहती, जो मन में आता है वो करती है, ना तो खुद की इज्जत की चिंता, ना तो खानदान की इज्जत से मतलब। समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है हमें। और हाजी दिन देखने पड़ रहा है कि आरती के चक्कर में गुंडा मवाली लोग हमें फोन देकर धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा परिवार साफ कर देंगे। अब आप ही बताओ भैया कि हम क्या करें। आरती नहीं रहा जाता है तुझसे दूर, बस मतलब मन करता है कि 24 घंटे बस तुझसे प्यार कर। ये क्या हो रहा है? छी, मुझे घृणा आती है तुम पे। आखिर चाहती क्या हो तुम? आंटी जी देखिए, आंटी जी जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। बस बहुत बोल लिए, अब हम बोलेंगे। तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण हमारी बेटी गिरती जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? हाँ, और खबरदार जो हम माँ बेटी के बीच में आए तो निकल जाओ अभी के अभी हमारे घर से, निकलो। जो तुम कर रही थी वो घर के बाहर कर रही थी, अब तो तुम्हारी आंखों की शर्म भी मर गई है। किसी पराए निधर्मी आदमी के साथ में घर के अंदर, घर को बाजार बनाकर रख दिया है। छी, शराब और सिगरेट से तुम्हारा मन नहीं भरा तो सट्टा खेलने चली गई। अरे उस सट्टे के चक्कर में तुम्हारे पापा को कितने लोगों ने मारा पीटा। बस अब अस्पताल से आए तो हफ्ते भी नहीं हुए हैं और तुमने ये सब करना शुरू कर दिया। हम लोग जिंदा है वो तुमसे देखा नहीं जाता क्या? हम लोगों को मार कर ही तुम लोगों को। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उतनी गिरती जा रही हो। अब तो बस यही देखना रह गया था। अरे शर्म बेच खाई है क्या तुमने? चिल्लाओ मत। तो क्या करती? हाँ हम तो मांगे थे ना पहले भी आपसे, आपने दिया क्या? इसे सट्टा खेलना पड़ा हमें। अगर तुम्हारा लाडला बेटा सोहम तुमसे मांग देता तो तुम तुरंत दे देती ना? हाँ? सोहम का तो नाम ही मत लो तुम, उसकी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हो तुम। तुम्हारे कारण उसका रिश्ता टूट गया और अब तो ये नौबत है कि उसे किसी अच्छे घर का रिश्ता मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई हमसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। लोग ताने दे रहे हैं हमें सुबह शाम। तुम्हारी इस चाल
चलन के कारण। भार में गई तुम और भार में गया तुम्हारा ये फालतू समाज। हमें जो करना है हम वही करेंगे। जिसको जो समझना है समझे, ना हमें पहले फर्क पड़ता था और ना ही अब पड़ेगा। तो पानी सर से बहुत ऊपर चला गया है, इसका कुछ तो इलाज जरूर करना पड़ेगा। मिटारे देश से जुर्म का नामो निशान आ रहे हैं अली और हनुमान। CIF हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। आरती बेटा बड़ी जल्दी आ गई आज। क्यों नहीं आ सकते? अरे वाह, आज तुमने पी नहीं है। मेरा मतलब क्या है? जिस दिन पी के आती हूँ उस दिन भी सुनाती हो, अब नहीं पी के आई हो तो भी सुना रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हम तेरा इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रही थी क्यों? अब बस ऐसे ही हमने सोचा कि कितने दिन हुए ना माँ बेटी ने साथ में मिलकर खाना नहीं खाया, तो चलो आज माँ बेटी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। पता है मैंने तुम्हारे पसंद की पत्ता गोभी की सब्जी भी बनाई है। मैंने बोला था आपको बनाने के लिए। अरे बेटा नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन ऐसा गुस्सा तो मत करो। एक काम करते हैं, कॉफी पियोगी? तुम्हारे पसंद की बिना दूध वाली कॉफी बनाती हूँ। क्या बात है माँ, आज आपको बड़ा प्यार मार रहा है। कैसी बात कर रही हो बेटा, माँ हूं ना मैं तुम्हारी, तो ममता तो जागेगी। अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप कॉफी वहां भिजवा दीजिए। ठीक है। दरवाजा का निशान नहीं है और कहीं भी फोर्स एंट्री का
सबूत नहीं है। अजीब बात है, बेटी को मार डाला और माँ को बांध कर छोड़ कर चले गए। सुनो, तुम एक काम करो, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करो, ठीक है? Yes. हाँ मैडम, और बताइए। जब हम होश में आए, पता चला कि हमें किसी अनजान आदमी ने कुर्सी से बांध के रखा था। कुछ कर नहीं पाए। जब हमारे इन्हें भी काम करने वाली काम वाली आई, उसी ने हमारे हाथ पैर खोल दिए। ठीक है ठीक। संतो बनी अर्जुन की गुनहगार। मैंने मार दिया उन्हें। लेकिन वर्षों बाद, बने 9 वर्षों से मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठा, पर आज भी ये कुर्सी धर्मराज मैया वंशी की है। समझी? तो क्यों जमा रही है कुर्सी पर अधिकार? 10 साल बाद राजा अपनी गद्दी छोड़कर उसे वापस लेने का दावा नहीं कर सकता। बंद सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल पर। तो आपका ये कहना है कि आपने हमलावरों को नहीं देखा? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था, इससे पहले कि हम कुछ देख पाते, सोच पाते, उससे पहले ही हम पे किसी ने हमला कर दिया था और हम बेहोश हो गए थे। तो अगर आप जो कह रहे हैं ये सच है, तो जो हमने सच देखा वो दिखाएं आपको। हवलदार, आपके घर के सामने जो घर के सीसीटीवी कैमरा फुटेज ने आपके झूठ का पर्दाफाश कर, रात को ठीक 12:30 बजे आपके घर जो शख्स आया था वो और कोई नहीं, आपका सगा भाई अमर है। और कुछ कहना है आपको? सच बतलाओगे आप? वरना बोलो सच क्या है? सच क्या है बोलो वरना। अरे आ जाओ जल्दी से, कहाँ रह गए थे? मामा जी आप? हाँ बेटा, तुम जय मिले हैं। रोज रोज के पड़ोसियों के ताने, समाज में बेइज्जती,
यहाँ तक कि हमारे पति भी यही सोचते थे कि हमारे ही लाड़ प्यार की वजह से हमारी बेटी बिगड़ गई है। बहुत परेशान हो चुके थे, हमारे समझ में नहीं आ रहा था कैसे हमारी बेटी को समझाएं। हमने बहुत कोशिश की, कभी लाड़ प्यार से, कभी डांट के, कभी मार पीट के, लेकिन पता नहीं हमारी बेटी अपनी माँ की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। हम हार गए थे, हार गए। बेटी की कातिल माँ अमूमन ऐसा सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि मां की ममता की छांव में बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन आरती की मौत की वजह उसकी मां ही थी। आरती की सोच, उसके विचार, उसका एक एक निर्णय उसके परिवार के विरुद्ध था। आरती के व्यवहार और उसके गलत संगत के कारण उसके परिवार, खासकर उसकी मां वंदना मित्तल की इज्जत तार तार होने लगी थी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि अपनी ही बेटी के कारण मित्तल परिवार का जीना दुश्वार हो गया था, जिसके चलते वंदना मित्तल ने अपनी ही बेटी की मौत की सुपारी अपने भाई को दे दी। अगर वंदना मित्तल ने धैर्य से काम लिया होता, समाज के तानों के दबाव में आकर ऐसा गलत कदम ना उठाया होता, तो आज वो और उसका भाई अमर जेल की सलाखों के पीछे ना होते, एक हंसता खेलता परिवार तबाह होने से बच गया होता। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।